बाउलो व्हाट द फक यार, वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा वेब शो, फेमस वेब शो जिसका लिटरली पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोने से कोई ना कोई डाई हार्ट फैन होगा ही होगा। वैसे 8th एपिसोड की कुछ फुटेज लीक हो चुकी हैं, लिटरली मैंने नहीं देखा है लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी नहीं। अबे साले, सॉरी फॉर दैट कन्फ्यूजन। हाँ लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि क्या क्या लीक हुआ है और हम इसे सिर्फ रूमर्स मान के ही चलेंगे बाबा, क्योंकि हांड फटने का डर अपन को भी रहता है बाबा। काइको जो पिछले सीजन 1 का 8th एपिसोड जिस बंदे ने लीक किया था वो अभी भी जेल में हैगा। तो मेन मटेरियल से छेड़खानी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मुंचोदी कर लेंगे। तो बाबा बताया ये जा रहा है कि टाइलर लैनिस्टर ट्रायर्की से मदद मांगते नजर आ रहा है ताकि वो कॉर्लिस वैलेरियन और इस बास्टर्ड सन एलिन वैलेरियन को समंदर की लड़ाई में हरा सके। दूसरा, डेरन टारगेरियन और उसका ड्रैगन टसेरिन जो हमें ट्रेलर में ही उड़ता दिख रहा था, जो मैं कंफ्यूज था, लेकिन बाबा अब 50-50 चांसेस है कि ये हमें 8th एपिसोड में देखने को मिल सकता है। लेकिन एपिसोड के एंड में ही प्रॉमिस करा जा रहा है हाई टावर सेना को अपने साथ लाते हुए। बाबा माय फेवरेट एमंड साला फुल हांड फाड़ने के मूड में दिख रहा है और एक लाइन से सबकी अम्मा खोदते हुए भी नजर आ रहा है ये बंदा। लेकिन इरादे इसके नेक नहीं लग रहे हैं अब हेलिना उर्फ अपनी भाभी उर्फ अपनी सिस्टर की तरफ, साला उसे नीचे लाने को चाह रहा है ये बंदा। हरामी तो है खैर अपनी चिचा की तरह। दूसरी तरफ उसे गॉडसाई का कांड भी पता लग चुका है तो अपने साथ एक बड़ी आर्मी क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर जो उसका अंकल है को लेकर चढ़ाई कर देता है डेमन की तरफ यानी हैरन हॉल की तरफ। बात डेमन की चल ही रही है तो इसका तो मेकर्स ने पूरा बलात्कार कर रखा है इस सीजन में, लेकिन बंदे के अंदर से अब किंग बनने का कीड़ा निकल चुका है। रेनीरा के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं और वो चाहता है कि वेस्ट्रोस और टारगेरियन का अगर अस्तित्व बचाना है तो रनीरा को ही क्वीन बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने नाइटमेयर्स में ऐसा कुछ देख लिया है जो पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में वेब सीरीज में जो हुआ था। बाकी ड्रैगनस्टोन में थोड़ा बास्टर्ड्स के बीच में मतभेद देखने को मिलेंगे। एडम और ह्यू हैमर भी आर्मर पहने देखने को मिल रहे हैं। साथ में सीस ने कॉलिस वैलेरियन और एलिन अपनी नेवी आर्मी लेकर कूच कर चुके हैं, कहाँ वो एपिसोड 8 में पता चलेगा। हाउस लैनिस्टर अपने बैनर के साथ अपनी आर्मी के साथ निकल चुके हैं, कहाँ वो हाउस एपिसोड 8 में पता चलेगा। हाउस स्टार्क्स अपने बैनर के साथ अपनी आर्मी के साथ निकल चुके हैं, वो भी एपिसोड 8 में ही पता चलेगा कि कहाँ निकले हैं। बैटल ऑफ द रेड फॉग भी इस्टेब्लिश होते नजर आ रही है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो बाबा आप सभी के होश उड़ाने वाली है, ट्रस्ट मी आप सभी के होश उड़ाने वाली है, सीप स्टीलर और रीना टारगेरियन का कनेक्शन सेट हो चुका है। बट क्लेम करेगी या नहीं करेगी वो तो बाबा एपिसोड 8 में ही पता चलेगा। और एलिसेंट हाईटावर तो फुल दोगली निकली रे, अपने ही बच्चों को धोखा दे डाला, उन मासूम बच्चों को इस जंग में ढकेल कर खुद अपनी दोस्त रेनीरा की शरण में 2 गज जमीन लेने को चली गई है अपनी और अपनी बेटी हेलिना के लिए। इसकी माँ का भोला चेहरा सड़ी के उन बच्चों को ऐसे कर्स्ड थ्रोन में ऐसे जाल में फंसाकर जहाँ उनकी मौत निश्चित है। वुमेन्स बाबा वुमेन्स, भरोसे का माँ का भरोसा कैसे करना है इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो दैट्स ऑल रूमर्स AKA लीक्स, बट एट लास्ट आई एम नॉट गिविंग यू ऑल सियोरिटी कि बाबा एज इट इज ही आपको ये सब मिलने वाला है। नहीं, मैं कोई गारंटी और सियोरिटी नहीं दूंगा यहाँ पर, वो 8th एपिसोड में ही पता चलेगा। सो वेट एंड वॉच कि आखिर एपिसोड 8 हमारे लिए कितने सरप्राइजेस लेकर इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाबा ऐसा कुछ मिल गया तो मज़ा आ जाएगा और ऐसा कुछ नहीं मिला तो फिर तो इसकी बैंड की मजे ही मजे होंगे ही होंगे, है ना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद। और शायद अगली वीडियो एगन द कॉन्करर के कॉन्क्वेस्ट के बारे में होने वाली है, तो वेट एंड वॉच। चैनल से जुड़े रहना, नोटिफिकेशन ऑन करना, बेल आइकन को हमेशा दबाए रखना, क्योंकि वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिटेल्ड, बहुत डिटेल सर्च करके लाने वाला हूँ और एगन द कॉन्करर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बातें करेंगे उसमें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।